और
दो पीढ़ियों और इसके अलावा दो असूल हैं और तीन पीढ़ियों और इसके अलावा कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जैसे आय की दो बुझाएं दे देते हैं पीढ़ी को है ना, तो अभी हम उसका निर्माण कर लेते हैं कुछ यहाँ पर कि एक बुझा दे देते हैं तो भी हम वर्ग का निर्माण कर लेते हैं वो एक विशिष्ट स्थिति हो क्या होगी वो एक क्योंकि हम ये जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और चारों कोण क्या होते हैं लंबवत होते हैं इसलिए हम उसका निर्माण आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के चतुर्भुज की अपन चर्चा करेंगे तो इसमें अपने को बिना विकीर्ण हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि वो जो अपना जो ये जो है ना बीसी बी से सी बिंदु ज्ञात करने के लिए अपन चाप तो काट लिए तो, लेकिन दूसरी चाप कहाँ से काटे हैं ए से लेके सी हाँ तो जब तक काट सकते हैं जब एस सी होता है एस सी नहीं हो तो अपन कैसे काट रहे हैं तो फिर बनेगा ही फिर चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा नहीं इसलिए किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें कम से कम पांच चीजें चाहिए चाहे तो चार भुजा हो उसके निर्माण से पहले हमें पांच चीजों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश पूरी कर ली। फिर सबसे पहले आप जो भी प्रश्न दे रखा है उसका कच्चा चित्र बनाओ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका निर्माण अपने को किस प्रकार से करना है। पहला प्रश्न देखो ये आपको दे रखा है प्रश्न में एबी दे रखा है बीसी दे रखा है सीबी और डीए दोनों भुजाएं क्या है समान है और एस की एक विकर्ण दे दिया। अब हम अपने पास पांच चीज होगी देखो एक दो तीन चार होगी अब हम इस चतुर्भुज का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है एफ भी हमने चार सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा अब क्या अपने पास देखो एस सी है और बी सी है यानी ए और बी दोनों बिंदु से सी बिंदु आ रहा ना याद देखे नहीं ए बी से जो को अपने को बी सी बी से सी बिंदु भी है और ए से सी बिंदु भी है तो एक प्रकार में चाप रखे प्रकार में चाप रहते हैं ना छह सेंटीमीटर की प्रकार में चाप रखे और छह सेंटीमीटर की एक चाप खा लेंगे इनके मामले आपकी चाप छह सेंटीमीटर की कट गई कट गई। ठीक है एक चाप काट फिर हम ए बिंदु पे प्रकार की नौ को रखेंगे और आठ सेंटीमीटर की चाप किसमें रखेंगे प्रकार नहीं प्रकार में उसके ऊपर रखे आठ सेंटीमीटर की चाप करेंगे बढ़िया सेंटीमीटर चाप और ए बिंदु से और आठ सेंटीमीटर की चाप आपने मान ली है कहीं जैसे प्रकार से काट देंगे आप प्रकार रखे कहीं से जाएगी अब ये बिंदु कौन सा प्राप्त होगा आपका सी बिंदु कौन सा बिंदु प्राप्त होगा सी अब इनको मिला देंगे सी को बी से मिला दिया और सर एक और सी को सी से ए से त्रिभुज का निर्माण हुआ अभी हुआ अब आपके पास एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब आपके पास बिंदु आ गया सी सी बिंदु प्राप्त होगा ना पहले अपने को ये तो दिक्कत आ रही थी कि सी बिंदु कैसे प्राप्त करें बिना विकिरण के है ना अब एक भी अब सी बिंदु आ गया अब ये देखो सी डी और बी ए यानी ए से बी बिंदु की दूरी देखते हैं और सी से डी बी दोनों की क्या दूरी है 5.2 प्रकार में चाप बनेंगे चाप बनेंगे कितने की 5.2 की 5.2 सेंटीमीटर की चाप बनी यहाँ मैंने किधर काटो बेटा सेंटी पे इधर साइड पे इस साइड में काटो इस साइड में काटो ना नो सही कर क्या है क्योंकि इस साइड में काटेंगे ना तो ए से बी की बिंदु पूछेगा नहीं पूछेगा ना तो किधर बनेगा मान लो 5.2 सेंटीमीटर चाप बनने की ये सी से डी देखो सी भी 5.2 सेंटीमीटर अब ए बी से आपको डी तो ए बिंदु पे भी आप प्रकार की चाप और यहाँ भी 5
अपन
6.5 सेंटीमीटर शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप पुस्तिका में लिखिए। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? क्या होता है दिल्ली समांतर चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो दो भुजाएं समान, जिसकी दो भुजाएं समान। आप क्या समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? और 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। काट दिया बेटा।
थोड़ा सा बोर्ड पर काट दो बनाए ठीक है विकिरण m 8.5 सबके समझ में आ गया ना यस सर विकिरण m r 6.5 सेंटीमीटर का चाप रहेंगे प्रकार में और 6.5 सेंटीमीटर का चाप रहेंगे वो मान लो आपका ये कर हां सर आदि अभी ये कौन सा बिंदु आ रहा है अपने पास r इनको अपन a से m से बताते हैं रचना के बिंदु हो गए ये रचना में ऐसे लिखेंगे अपन हां सर हमने m को 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा एक बात हुई दूसरी बात m से हमने o बिंदु से 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा फिर हमने एन बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप काटा जो बिंदु दोनों चाप का आप काटते हैं तीन बात होगी ना बिंदु आर पर काटते हैं फिर क्या करेंगे फिर एन आर पर दो से तुम बताओ तुम तो क्या करेंगे बैठ जाओ सर फिर आर से नहीं चार तीन दस मतलब छह पांच चाप काटेंगे और एन से 4.6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे क्यों काटेंगे आर से क्यों क्योंकि इसके ऊपर बिंदु जाएगी बराबर 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा ये बच गया हम कट गया फिर एन से दो एन से ई की चाप एम से ई दो दशमलव एम चार जहाँ चाप कटे वो बिंदु क्या होगा आपका ई बिंदु अब जहाँ ये कटे उनको आपस में मिला दो और इसको इससे क्या चतुर्भुज का निर्माण इस प्रकार आपका एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया समझ में आ गया यस सर बैठ मैडम नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज बी ई एस पी की रचना के लिए जिसमें बी ई 4.5 सेंटीमीटर और ई पी 6 सेंटीमीटर है तो बी टू बी एस को मानकर समचतुर्भुज क्या होता है और ई दे रखा है और ई दे रखा है
अंदर हम देखें कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है और उनके विकर्ण परस्पर लंबवत होती है। अपने पास है ये BE 4.5 सेंटीमीटर और ET है ना बेटा, हां सर, हां सर, 6.0 और BS लिखिए। अब हम ये जानते हैं कि BE अपने को मिलती तो क्या मिलती, ES मिलती, ST भी मिलती और BT भी मिलती, ठीक है। चारों भुजाएं मिल गई लेकिन बढ़ाए कैसे, ET अपने पास 6 सेंटीमीटर ET, ठीक है। तो हम पहले ET खींच लेंगे, ET को खींच लेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे, ठीक है। यस सर, समझ में सबको आया? यस सर।